पढ़ा था मतलब, पर जेई के लिए नहीं पढ़ा था मतलब। भाई साहब, भाई कहाँ से आए हो आप, ये तो बता दो मुझे, इस प्लेनेट के तो नहीं लग रहे हो भाई, कहाँ से आए हो ये बता। ठीक है, और कोई तुझे कितना ही समझाए तू करेगा अपने बन के, ये भी मुझे पता है। पर अच्छी बात ये है तू हर जगह अपने आप को प्रूव कर रहा है। मैंने नीट का भी प्रिपरेशन किया है मतलब। वो क्या होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर खुद सोचा किसी चीज को तो वो ज्यादा याद रहते हैं। मैं बोलूंगा कि मेरे तरह मत करो। हेलो सर, हाँ ब्रेकिंग से बता, कैसा है बेटा अच्छा है। मार्क्स तो? बड़े हाँ सु भाई, बहुत शानदार मार्क्स है, 265 नंबर मायने रखते हैं भाई, है कैसा लग रहा है? सच बताऊं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है मतलब। सही है क्यों मतलब, पता नहीं तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों क्या हुआ? अरे 265 नंबर, मुझे समझ रहा भाई, 500 के अंदर रैंक आएगी तेरी। हाँ पता है, पता नहीं है तो एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि शायद थोड़ा अच्छा पढ़ लेता तो मतलब। अरे नहीं, अरे नहीं पागल, बहुत बात अच्छा। ऐसा है ना कि वो जो सवाल मैंने गलत किया है तो वो एकदम मतलब इजी थे, बहुत आसानी से मैं कर जाता, तो उस वजह से थोड़ा सा बुरा लग रहा कौन से सवाल थे? हाँ है। जैसे मैथ्स में एक दो सवाल में जस्ट प्लस और माइनस में मैंने माइनस टिक कर दिया, वो प्लस होता। ऐसे बहुत माइन्यूट गलतियां हो गई है तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? मैंने उतना चेक नहीं किया अच्छे से, पर वैसे ही टाइप की गलतियां हुई है। नहीं बेटा कोई इस चीज को लेके बिल्कुल रिग्रेट नहीं करो। आप ये हाँ सोचो कि अगर कभी दो चार सवाल और गलत हो जाते, भगवान ने चाहा, तो तुम जहाँ 265 आ रहे हैं, आप 200 के आसपास पहुंच जाते, है हाँ ना? देखो सिली मिस्टेक्स अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, है वही ना? मतलब, हाँ, मतलब और जब शुरुआत किया था तब भी वैसे ही गलती होते थे और आज भी वैसे ही, तो उसमें एक थोड़ा सा होता नहीं तो अपने पास सेकंड अटेम्प्ट है है। ना, इसलिए टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं मैं अब समझ गया तो तेरा, शायद मैं समझ अब गया तेरा एडवांस टारगेट में है। है। मैं समझ गया तेरा टारगेट है, 300 में 300 ना लेगा, ठीक है? मैं समझ गया हूँ, है ना? और कोई बात नहीं, तू अपना एडवांस होके बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर। और 265 स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है भाई, ये ड्रीम स्कोर होता है लोगों के लिए, है ना? इसलिए खुश रहे, है ना? अगर इस तरीके से तू उदास रहेगा ना, तो तेरे साथ साथ पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको फिर बुरा लगेगा, हाँ है ना? बहुत अच्छा स्कोर है ठीक तेरा, 265, मतलब मैं देखते ही खुश हो गया यार। मतलब भाई लोंडे के 265, सोच किस लेवल की जबरदस्त एक्यूरेसी है। 90 सवालों में से अप्रोक्सीमेटली तूने 85 सवाल सही किए, गलत कह रहा हूँ मैं, वो तो सही है। है ना? सोच, है हाँ ना? खुश रहा, हंस हाँ के दिखा बढ़िया से, ठीक है? अब ये बोझ को एक तरफ उतार के बात है, और अपना अगले आगे कैसे और अच्छा करना है, या ये गलतियां जो हुई है इसको हाँ कैसे सर, मिनिमाइज करना है, इस पे काम करना है, ठीक है? हाँ सर, हाँ, अब बताओ कैसी रही थी जर्नी पूरे साल, पूरे ये वाली प्रिपरेशन की? मतलब मैंने वही 11th में शुरू किया था मतलब, पर 11th में भी अच्छा ही प्रिपरेशन था। और मतलब मुझे ना टफ क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मज़ा आता था तो मैंने उस तरीके से पढ़ा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एडवांस मटेरियल है, तुम्हें समझ हाँ गया। मतलब मज़ा आता था उसमें। हाँ, और जैसे मैंने हीरोडोट भी सॉल्व किया है, पाथफाइंडर भी सॉल्व। पाथफाइंडर भी किया है? अरे हाँ सर, वाह, बहुत ही बढ़िया बेटा, इसका मतलब मैं समझ गया, तू तेरा सारा ध्यान इस टाइम एडवांस की तरफ है, क्योंकि हाँ पाथफाइंडर जो बुक है, अगर आप उसको सॉल्व कर ले रहे हो, है ना, तो फिर इसका मतलब जाहिर सी बात है, फिर तो कहने की कोई, वो जब किताब लिखी जा रही थी ना, तो सर मेरे साथ ही जो है, मेरे सामने क्वेश्चन से जब हम लोग फाइट मारा हाँ करते थे पाथफाइंडर की, तो उसके एक एक सवाल को बनाने मुझे में बहुत हमको टफ होती है। हाँ, मतलब मेरे सामने तो सर जो पाथफाइंडर जिन सर ने लिखी है, तो वो मेरे सामने ही लिखते थे, है ना? तो रात, मतलब ऐसा समझ, ऐसा भी होता था कि रात के 11 बजे कोई क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है, और लगे पड़े भाई साहब, और दो दो तीन तीन बजे जाके उसकी मैथमेटिक्स खत्म होती है, और फिर जाके उस सवाल बनकर तैयार हुआ। तो मुझे पता है किस तरीके से किताब लिखी गई है। तो हाँ अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब बिल्कुल इस बार जी एडवांस फोड़ने वाले, है ना? हाँ और तो 12th में क्या किया तूने, सारी क्लासेस अटेंड की यहाँ पे लक्ष्य में? हाँ मतलब मैंने उस तरीके से लाइव नहीं पढ़ता था। मैं रिकॉर्डेड देखना पर भी ज्यादा पसंद करता था मतलब। टाइम लाइव बचाने में के क्या होता लिए। है कि ज्यादा बातें होती है तो मुझे वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा टू अच्छा एक्स अच्छा में अच्छा जो जगह प्रॉब्लम होती है वहां पे सही से देखना और बस। अच्छा अच्छा मतलब तू 2x पे देख के वो अपना समय बचा लिया करता था। हाँ, और हाँ, मैं क्योंकि तू ज्यादा पहले से, प्रॉब्लम्स अच्छा पे ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देता होगा कि सर क्या किस तरीके से क्वेश्चन आपसे हाँ करा रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा और होमवर्क वगैरह जो सर देते थे किया करता था सारे, हाँ या अपने ही वो होमवर्क लगा रहता था? तो मतलब एक तरीके से क्लास का होमवर्क काफी जल्दी ही खत्म हो जाता।
अच्छा, मतलब सर जो होमवर्क देते होंगे वो तेरा, मुश्किल से मैं समझ गया, 20-25-30 मिनट का होमवर्क रहता होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है हो सकता है मैं गलत हूँ, कि तूने 9th-10th में भी कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपरेशन की थी। नहीं, 9th-10th में मैंने जेई के लिए नहीं शुरुआत किया हाँ, फिर था। हाँ पढ़ा था मतलब, पर जेई के लिए नहीं पढ़ा था मतलब, मजे के लिए पढ़ा था, और मतलब हाँ मजे के लिए पढ़ा था, मतलब इंटरेस्ट आता था इसलिए पढ़ता था, हाँ इंटरेस्ट आता था इसलिए पढ़ता था। मतलब मैंने एक्चुअली पूरा 12th तक भी वैसे ही लगभग मान के चली अच्छा, मतलब तो कहाँ तेरा स्कूल शहर में कौन बहुत सा है? वेस्ट वेस्ट बंगाल में बैंकुड़ा है, बंगाल में कहाँ पे? बैंकुड़ा बैंकुड़ा, ये किधर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में मतलब डिस्ट्रिक्ट है, कलकत्ता ओ, मतलब इसके आसपास का कोई बड़ा सा, कोई बड़ा शहर हो जैसे ज्यादा। हाँ कोलकाता, सिलीगुड़ी? अच्छा, कलकत्ता। कलकत्ता के पास में। ओके ओके हाँ ओके ओके, ठीक। अब तो एक बात बता, अगर फैमिली में कौन कौन है घर पे? अच्छा पापा है, मम्मी है, दीदी है, अच्छा 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 पापा क्या करते हैं? टीचर है। इसका मतलब बचपन से ही जो है बहुत ही नहीं बढ़िया, इसका मतलब सही गाइडेंस मिला है तुझे, इसका मतलब। नहीं देख, ये तो है, अगर घर में मम्मी पापा में से कोई भी एक टीचर होते हैं तो गाइडेंस जो है बचपन से ही हमको बढ़िया मेरे मिलता है। मम्मी भी टीचर है, पापा भी टीचर है। हाँ अच्छा, मम्मा भी टीचर, पापा भी टीचर है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो तो और बता, तेरा क्या ड्रीम कॉलेज है? ये तो मैं समझ गया, IIT बुंबई होगा। देखते हैं वो कितना मिल पाता डेफिनेटली डेफिनेटली मिलेगा, बट जैसे पढ़ रहे हो बेटे ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। और तुझे तो मैं यही बोलूंगा कि तू, सबसे अच्छी बात है कि तू फोकस्ड है, तुझे क्या करना है तुझे सारी चीजें पता है, और तूने अपने आप को प्रूव भी किया है, ठीक है। और तूने अपना रास्ता खुद बनाया है, टीचर ने जो समझाया वो ठीक है, तूने फॉलो किया, लेकिन की तूने अपने बन की है, और सबसे अच्छी बात ये कि तूने प्रूव करके दिखाया है, और इसलिए मेरे हिसाब से बिल्कुल फोकस्ड है। तो जी एडवांस की ही प्रिपरेशन करना, ठीक है। और जो है, जो भी जो जो जिसमें तुझे मजा आता है ना, तू कहना ना सब मजा आता है सवाल करने में, लंबे लंबे सवाल करने में मजा आता है, केमिस्ट्री में, मैथ में, तो जैसे ही तू प्रिपरेशन अब तक करता है बिल्कुल ऐसे ही अपने हिसाब से करता रहे, ठीक। मेरी नज़र में तुझे टीचर की अब आवश्यकता है नहीं, तुझे आवश्यकता है बस ये अपनी जो सिली मिस्टेक्स तूने करी थी, जिनका तुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते, ठीक है। और इसके लिए बस ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ, ठीक है। और जब अगला जे मेन्स टू का तेरा पेपर आने वाला हो, पेपर जरूर देना बेटा जे मेन्स टू का, ठीक है। ये नहीं कि मेरे 263 आ गए तो पेपर जरूर देना, उसने कुछ जरूर सिखाएगा, ठीक। और बस जब तेरा पेपर आए जे मेन्स का, उससे 5-6 दिन पहले, ठीक है ना, 5-6 दिन पहले थोड़ा मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस कर लेना, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, है ना। उससे तेरी जो ये सिली मिस्टेक्स जो हो जाती है ना, 2-3 सवाल निपट सर जाते हैं पता है आते। एक बात सर, हाँ हाँ मैंने नीट का भी प्रिपरेशन किया है। हाँ भाई साहब, नीट का ही प्रिपरेशन किया है भाई, कहाँ से आए हो आप ये तो बता दो मुझे, इस प्लेनेट के तो नहीं लग रहे हो भाई, कहाँ से आए हो सही बता। कोई रोबोट वोबोट तो फिट, कोई रोबोट क्यों वोबोट तो फिट नहीं है, है? भाई जेई में 265 मार्क्स लेके आ रहा है और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आप ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तेरे मार्क्स ही बता रहे हैं कि तू नीट में ही फोड़ने वाला है, देखते हैं वो। है ना। तो वैसे तेरा टारगेट क्या है, नीट में जाना है IIT में जाना है? मेरा IIT में ज्यादा क्या ज्यादा मन है वैसे। अच्छा, हाँ बेटा, जिसमें मन हो उसी में ही जाना है ना। तेरे हाँ जैसे सुपर टैलेंटेड लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। तो दोनों तरफ फोड़ रहा है, नीट भी ले रहा है भाई साहब, बायोलॉजी भी ले, बायोलॉजी भी पढ़ रहा है, PCM भी पढ़ रहा है ना। तो फिर बताइए फिर से कैसा चल रहा है नीट में तेरा? उसमें वो 650 से थोड़ा सा ऊपर वैसे ही आते हैं मॉक्स में। मॉक्स में आ रहे हैं, मतलब उसकी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो तू वैसे नीट में भी कर देता होगा अपनी हाँ जेई का, उसमें तो हो रहा है, बायोलॉजी में तुझे करना पड़ता होगा थोड़ा सा, पर बायो में। हाँ है ना। चलो बेटा, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अभी जैसे अब कुछ तो सोचा होगा ना तूने, बाकी क्या दोनों प्रिपरेशन साथ साथ करेगा, नीट की भी IIT की भी, हाँ अब आगे नीट हाँ की और आई वैसे टी ही दोनों वहां इंटरव्यू देखते साथ साथ रहेगा। हाँ हैं क्या होता। मैं जब, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि तुझे पता है तुझे क्या करना, ठीक है, और कोई तुझे कितना ही समझाए तू करेगा अपने मन की, मुझे पता है। हाँ पर अच्छी बात यह है तू हर जगह अपने आप को प्रूव कर रहा है ना, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि तुझे कोई डाउट होगा या तू कुछ पूछना चाहेगा कि सर ये कैसे करना है, कुछ है तो वही पूछ ले। क्वेश्चन सर क्या क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ? के लिए अलग सेशन रख लेंगे, ये वीडियो बेसिकली तू ऐसे समझ कि अगले साल तेरे जूनियर्स वगैरह आएंगे, ठीक है।
हाँ हो सकता है पता वो है वीडियो देख रहे हो, मेरे हाँ तो हो सकता है चीजें देख के काफी सारे बच्चे मोटिवेट हों, है ना, भाई कुछ भैया ने क्या किया था वैसा हम भी करें, है ना। तो उस रिगार्डिंग अगर तू कुछ कहना चाहे हाँ। अपने आने वाले जूनियर्स के लिए कि कैसे वो प्रिपरेशन करें कि अपना बढ़िया से तो रिजल्ट निकाल पाए, मैं बोलूंगा मत क्या 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 दरबल। करो, मैं बोलूंगा कि मेरे तरफ मत करो, मतलब एक की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, हाँ ये बात तो देखने भी मानता हूँ, है ना, एक पे फोकस रखना चाहिए, वो तो तू अलग ही प्राणी है, ये तो मैं समझ गया, है ना, तू मुझे लग रहा है कि दूसरे प्लेनेट से आ गया है, ठीक, और ये बात सच है, ये बात सच है भाई, तू नीट वाला फोड़ रहा है, जेई वाला फोड़ रहा है, 250 से 200 पैसे मंथ लेके आ रहा है, और सुपर टैलेंटेड बंदा भाई, को बस ये टैलेंट वेस्ट नहीं जाए यार, लाइफ में बहुत आगे जाना है बेटा, ठीक है। बस जो मुझे तेरे अंदर एक छोटी सी कमी दिखी वो यही दिखी कि बस थोड़े से 2-4 सवाल गलत हो गए तो तू डिमोटिवेट हो गया, ठीक है। तो लाइफ में अप डाउन आते हैं बेटा, ठीक है, तो खुश रहना है, खुश रहे, ठीक है, तो होना तो हो गया, अब आगे सुधार करेंगे उस चीज को, ठीक है ना, आगे सुधार करेंगे, वो जो 3-4 सवाल गलत हुए सुधारेंगे उसको, कैसे करना है, ठीक, लेकिन उसको लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप निगेटिविटी के शिकार हो जाओ, आप इस खुशी को एंजॉय ही नहीं कर पाओ, है ना, इसको इग्नोर करना चाहिए हाँ। थोड़ा सा। और सर मुझे ना एक और चीज है कि मुझे खुद के बनाए क्वेश्चंस करने में ज्यादा मजा आता है, खुद तो के, हाँ अभी जैसे खुद खुद ही बनाए क्वेश्चंस, मतलब हाँ हाँ होता है ना कि हाँ तो खुद देख मेरी सोच के बात कुछ सुन, चीज मैं को समझ गया, देखा ठीक सामने, है, और मैं समझ, हाँ मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन अब मैं तुझे बोलूंगा कि देख अब आने वाला जो जीके एडवांस से पहले के तेरे उसमें 2-3 महीने हैं, ठीक है ना, हाँ उसके वैसे, और मतलब थोड़ा देख के बनाया मुझे पता हाँ है ना, तो हेलो, ये जो तेरा खुद से क्वेश्चन, हाँ हाँ बोल बोल, मतलब वो क्या होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर खुद सोचा किसी चीज को तो वो ज्यादा याद रहते हैं ज्यादा देर तक, तो देख मेरी तो बात वो सुन, है ना, हाँ। पर एक और चीज है कि अभी हाँ जैसे कि मैं अभी ही कर रहा हूँ, वो तब करता था जब कोई नया चीज पढ़ा, अभी नहीं, मतलब अभी तो एग्जाम पास आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देख जब तू कॉलेज पहुंचेगा ना, ठीक है, जब तू कॉलेज में पहुंचेगा बढ़िया से, अगर तूने ये सोचा है कि मुझे इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना है, ठीक है, टॉप के आईटी कॉलेज में पहुंचेगा, तो ये जो तेरा ये हुनर है, जो तेरी क्वालिटी है कि मुझे नए नए सवाल बनाने में मजा आता है, नए कंसेप्ट सोचने में मजा आता है, तो इसका तुझे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे तू आगे अपनी स्टडी को हायर स्टडी में ले जा सकता है, आगे फिर वहाँ पे कॉलेज में जाएगा फिर पता चलेगा कि पेपर भी पब्लिश होते हैं, नई नई रिसर्च या नई नई थ्योरी आप कुछ प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये सबका प्लेटफॉर्म तुझे मिलेगा, लेकिन अभी उसका सही वक्त नहीं है, ठीक है, तो अभी आप वही ट्राई करो जो आपने पूरे साल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, चाहे वो आपकी एरोडोक हो, चाहे वो हमारी मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 3 हो, ठीक है, या फिर जो है कुछ पाथफाइंडर के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो तुझे अच्छे लगते हो, ठीक है, या फिर और स्पेशली फॉर द जेई एडवांस के जो पिछले 20 सालों के IIPYQ से, ठीक है, अभी अपन को उसमें माहिर बनना है, ठीक, और इसी पे ही फोकस रखना है, क्योंकि आप जो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हो ना उसका डाटा भी स्पेसिफाई नहीं है, ठीक हाँ है ना, उसमें बहुत मतलब ज्यादा चली जाती है चीजें। वो एक्चुअली अभी वो प्रिपरेशन ठीक नहीं है, क्यों, हाँ क्योंकि हमको हमको जे एडवांस में पर आंसर निकालना है भाई, आंसर निकालना है हमको, गिवन डाटा जो हमको दिया गया है वो सही आंसर निकालना है, एक और बात है कि हाँ जैसे कि अब आगे वाला प्रिपरेशन की क्या मतलब भरून मैसेज करूँ। बेटा बरूदाज ले ले तू, बिल्कुल ले ले, है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पहले यही बोला कि आगे की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो भी तूने एरोडॉप के क्वेश्चन लगाए पूरे साल उन सवालों को एक बार फिर से लगा ले, ठीक है, अब तुझे उतना वक्त नहीं लगेगा, ठीक है, और जो भी हमारे मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 थी, ठीक है, जो जे एडवांस वाली थी वो एक्सरसाइज आप लगा लो, और जितने PYQs जे एडवांस के पिछले 20 साल के हैं सारे PYQs टिल द लास्ट, क्योंकि तेरे मुझे जो डर लगता है तुझे लेके कि तू कहाँ गड़बड़ी कर सकता है वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट तक आंसर निकालने की आदत ना, ठीक है, कि नहीं भाई फिर तो होता बस, हाँ क्योंकि आप जे एडवांस को ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस रहेंगे तो आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन से फाइट मारना है, आपको आता है मुझे पता है वो पेपर तुझे घर पे दे दिया जाएगा तो कर लेगा, लेकिन वही पेपर आपको वहां पे 6 घंटे के अंदर करना है, बात समझ मारिये ना, तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आप ईच एंड एवरी ऑप्शन से फाइट मार सको, ये ना हो कि यार ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो हो जाएगा, और जब करने जाते हो तो प्लस माइनस की गलती करते थे, ठीक है, और वरुण बैच ले ले वहां पे तुझे और हेल्प मिल जाएगी, जैसे जैसे वरुण बैच सर गाइड करें वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते जाना, ठीक है, हाँ सर चलो और कोई बात। नहीं वैसे तो और
चल, इसका मतलब ये अच्छी बात है कि तुझे शुरू से गाइडेंस मिला है पढ़ाई का, तो इसके लिए तो बहुत अच्छी तरह मार्क्स यहाँ से निकल पाए। मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे तो दूर से तो ये दिख रहा है, घर में मम्मी पापा टीचर है तो थोड़ा सा बच्चों को पता रहता है, पेरेंट्स को पता रहता है कि कोई बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। पापा किस सब्जेक्ट में टीचर है? नहीं, पापा साइंस में टीचर नहीं है, अच्छा, पर गाइडेंस ओके ओके में जाती ओके मम्मी, बेंगाली गाइडेंस। मम्मी प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो है, कम से कम एटलीस्ट डिसिप्लिन तो शुरू में मिल ही जाता है ना, है ना? जो कि देख, एक बात तो सच है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बात तो सच है, अगर मम्मी पापा टीचर होते हैं तो जिस तरह वो स्कूल में होते हैं ना टीचर, वही कहीं ना कहीं रवैया उनका घर पे भी रहता है, ठीक है, कि बच्चा बिल्कुल उनके घर में सब डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, है ना? ये है, ये ऐसा होता है, थोड़ा बहुत होता है ना? तो अच्छा रहा, इसके लिए मैं तो बोलूंगा बहुत लकी है तू, बहुत लकी है ना, और बहुत मेहनती भी है और सुपर टैलेंटेड भी है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहना बेटा, जो जो हमारा डिस्कशन हुआ है जी एडवांस के लिए, वैसे ही प्रिपरेशन कर, ठीक है? और जे एडवांस, जे मीन्स से 3 4 5 6 दिन पहले, 6 दिन पहले अपनी मेंस के मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर, ठीक है? हाँ सर, ओके, हाँ। ओके सर, और अगर गलती से थोड़े से 2 3 सवाल गलत हो जाए मेंस में, तो इस तरीके से अब डिमोटिवेट नहीं होना है, हाँ सर, ठीक है? हाँ, क्योंकि जे मेंस का पेपर ही ऐसा आता है यार, कहीं ना कहीं गलती करवा ही लेता है, उससे भी चेक करवा लेता है, पीठ पीछे बार करता है, ओके ठीक है ना? डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर अपना टारगेट जी एडवांस देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा तेरा, ठीक? चल, ओके, ध्यान रखना। भाई।